हाय गाइस, दिस आदित्य प्रकाश एंड वेलकम यू ऑल टू माय YouTube चैनल। गाइस कैसे आप लोग, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में आप लोगों को साइमन स्कॉलरशिप के बारे में आप लोगों को बताने में डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जिसमें आप लोगों को क्या क्या आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, प्लस कैसे आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या आप लोग बेनिफिट्स मिलेगी, कैसे रजिस्ट्रेशन करना, प्लस क्या क्या आप लोग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेगा, सर्च डिटेल में डिस्कस करेंगे आप लोगों। तो गाइस कुछ भी आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा, बस एक ही रिक्वेस्ट है गाइस आप सभी से, आप लोग पूरा वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा, कुछ भी आप लोगों को डाउट नहीं रहे, सारा चीज़ आप लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आके कर। अब चले गाइस आगे आप लोगों को बताते हैं कैसे आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है, कैसे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। उससे पहले गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस, इससे पहले मैं कॉल स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो लेके आए थे जो कि था रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप के ऊपर, जिसमें सारा चीज डिटेल में डिस्कस किए थे आप लोगों को, स्कॉलरशिप के ऊपर सारा चीज अच्छे से बताए थे। तो गाइस अगर अभी तक आप लोग वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से आप लोग जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आईटी भी आप लोग शो कर रहा होगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। और गाइस स्कॉलरशिप अमाउंट अब 2 लाख रुपीज तक स्कॉलरशिप अमाउंट आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही थी स्टूडेंट को, बिकॉज आप लोगों के लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज है। बस स्कॉलरशिप का डेट आप लोग जल्दी क्लोज होने वाला, जल्दी से आप लोग जाके देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लोज होने से पहले। अब चले गए आगे आप लोगों को साइमेंस स्कॉलरशिप के बारे में आप लोगों को बताते हैं। साइमेंस स्कॉलरशिप गाइस साइमेंस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, विच स्टार्टिंग 2013 विद ओनली 15 स्टूडेंट्स। नाउ इट्स कंपनी इज ग्रोन गाइस एंड इज प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज टू 1300+ स्टूडेंट्स विद ऑलमोस्ट 29 स्टेट्स एंड अक्रॉस 125 गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो क्या सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। चलिए गाइस आगे आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को बताते हैं। तो इसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज कैन अप्लाई एक्सक्लूडिंग आईटी स्टूडेंट, मतलब आईटी स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए तो एनएसपी स्कॉलरशिप रहता ही है। तो एनएसपी स्कॉलरशिप अगर आप लोग वीडियो डिटेल में चाहिए होगा तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर देंगे। बस अगर एज लिमिट देखा जाए तो 20 ईयर्स तक का आप लोगों का एज के स्टूडेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं, और 10th और 12th में परसेंटेज आप लोग 60% से अबव में होना चाहिए। और अगर एनुअल फैमिली इनकम देखा जाए तो एनुअल फैमिली इनकम 2 लाख रुपीज तक के कम का आप लोग इनकम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। चलिए गाइस आगे आप लोगों को बेनिफिट्स बताते हैं। तो बेनिफिट्स के लिए आप लोगों को आप लोगों का जो जितना भी आप लोगों का जो फीस आप लोगों एनुअल फीस आप लोगों को लगा है, प्लस आप लोगों ट्यूशन फीस लगा है, सारा फीस आप लोगों को रिइंबर्स कर दिया जाएगा, मतलब सारा फीस आप लोगों को वापस कर दिया जाएगा। अलग से जो आप लोगों का अलाउंस ऑफ बुक्स प्लस स्टेशनरी प्लस हॉस्टल प्लस एडिशनल क्लास सारा चीज़ आप लोगों को करवाया जाएगा। एडिशनल क्लास में आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस आप लोगों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंक्रीज किया जाएगा, जिससे आप लोग अच्छे से आप लोग अपना पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देख सकते हैं, आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी। सब देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, अगर आप लोग बीटेक कर रहे हैं, अगर दूसरी डिग्री कर रहे हैं तो आप लोग इंटर्नशिप जरूर किए होना चाहिए। तो इंटर्नशिप की आप लोगों को ज़्यादा दूर देखना जरूरत नहीं है, आप लोग इसी कंपनी में आप लोग इंटर्नशिप कर सकते हैं। और गाइस आप लोगों के लिए मल्टीनेशनल कंपनी से भी कॉन्टैक्ट रहेगा आप लोग, तो वहाँ से भी आप लोग कॉन्टैक्ट करके इंटर्नशिप कहीं से भी आप लोग ग्रैब कर सकते हैं। और गाइस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस आप लोगों का गर्ल्स कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले, क्योंकि इसमें 50% स्टूडेंट गर्ल्स स्टूडेंट के लिए रिजर्व सीट रहता है। क्योंकि आप लोग अगर इसमें फॉर्म फिलअप करें तो आप लोगों को ज़्यादा चांस रहेगा इसमें स्कॉलरशिप को मिलने में। चले गए आगे आप लोग बताते हैं, सब तो बेनिफिट्स हो गया गाइस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब चले गए आप लोग कंपटीशन पे लेके चलते हैं, और आगे आप लोग बताते हैं कैसे आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है, सारा चीज़ आप लोगों को आगे प्रोसेस बताते हैं। सो गाइस आप लोग स्क्रीन विजुअल चले गए, आगे आप लोग बताते हैं कैसे आप लोग फॉर्म फिलअप सारा चीज़ करना है। सबसे पहले तो गूगल क्रोम खेलिएगा और वहाँ पर लिखिएगा साइमेंस स्कॉलरशिप, ठीक है। तो साइमेंस स्कॉलरशिप लिखिएगा, ठीक है। साइमन स्कॉलरशिप यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करने से सबसे पहले जो आप लोग जो ये खुलेगा लिंक खुलेगा उस पर क्लिक करना है, ठीक है। साइमन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऑप्शन पे क्लिक किए तो ये आप लोगों का वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, इसमें सारा चीज़ आप लोग प्रोसेस दिया हुआ है। इससे आप लोग यहाँ पे जाके आप लोगों को अप्लाई करना है, देखिए यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया, वहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए लिखा हुआ 2023-2024 का प्रोग्राम ओपन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल्स भरने का आप लोगों के लिए ऑप्शन खुल गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे सारा चीज़, देखिए 5 प्रोसेस होगा यहाँ पे। सबसे पहले तो आप लोग सारा चीज़ अपना नेम डिटेल्स सारा चीज़ भरना है, ठीक है। सारा चीज़ डिटेल्स आप लोग भर के बता देते हैं, ठीक है। सर देख सकते हैं यहाँ पे सारी डिटेल्स हम लोग फिलअप कर लिया। अब यहाँ से सारा चीज़ डिटेल्स फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पे एज आप लोगों को 20 ईयर से कम के होना चाहिए। आप लोग बताए थे गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 20 ईयर से कम के स्टूडेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग 20 ईयर से कम का ही लिखेगा, ठीक है। जो भी आप लोग आधार कार्ड से अभी तक का जितना आप लोगों का एज होगा, ठीक है। सारी डिटेल्स भर ली, अब जल्दी यहाँ पे हम लोग करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करें यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट गए, तो यहाँ आप लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन खुलने के बाद आप लोग सारा चीज़ वहाँ पे फॉर्म फिलअप में आगे आप लोगों को पोस्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग सारा चीज़ यहाँ पे नंबर पे गया होगा OTP और यहाँ पे नंबर किया होगा, यहाँ से आप लोग जाके आप लोग रजिस्ट्रेशन करना है। अब यहाँ पे आप लोग फॉर्म फिलअप को आप लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ से आप लोग वेरीफाई करना, तो वेरीफाई आप लोग करवाइएगा का उसके फिर आगे चले बढ़ते हैं, ठीक है। सो गाइस देख सकते हैं वहाँ पे हम लोग OTP एंटर किए, तो OTP खुलने के बाद आप लोगों का वेरिफिकेशन हो गया आप लोगों का मोबाइल नंबर से और मेल आईडी से। अब आप लोगों सेकंड ऑप्शन खुला है यहाँ पे डिटेल्स भरने का, तो यहाँ पे डिटेल्स सारा चीज़ आप लोग भर लेंगे, उसको फिर नेक्स्ट करेंगे।
जैसे नेक्स्ट करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे आप लोग फैमिली डिटेल्स भर लिए, फैमिली का पेरेंट्स नेम मदर्स नेम सारी चीज़ भर लिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोग एकेडमिक डिटेल्स भरने का ऑप्शन है, इसमें आप लोग देख सकते हैं 10th और 12th में आप लोग 60% से अब का ही होना चाहिए, तो इसमें सारा चीज़ डिटेल अपना भरिएगा, ठीक है। और जे में सारा चीज़ यहाँ पर डिटेल्स सारा चीज़ भरिएगा, ठीक है। चलिए गाइस आगे हम भर के आगे प्रोसेस बताते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे हमने सारा चीज़ वहाँ पर डिटेल्स भर दिए अकेडमीज का, यहाँ पे कॉलेज डिटेल्स भरने का ऑप्शन आ रहा है। तो कॉलेज डिटेल्स में देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप लोग यहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ही होना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को वहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और इंस्टीट्यूट टाइप जो भी आप लोग इंस्टीट्यूट टाइप है गवर्नमेंट या प्राइवेट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ पे अपना नाम भरिएगा और यहाँ पे इंस्टीट्यूट फोन नंबर डालना होगा, जो कि इंस्टीट्यूट का जो फोन नंबर होगा बस, जो कि आप लोग वेरीफिकेशन के लिए हेल्प करेगा। इंस्टीट्यूट का एड्रेस डालना होगा, ब्रांच डालना होगा, फर्स्ट ईयर फीस जितना भी आप लोग जो फीस है आप लोगों का जो दे दिए हैं रिइंबर्स करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स भरना है, ठीक है। अब कॉलेज स्टेट कॉलेज जो भी आप लोग कॉलेज जो भी स्टेट में है वहाँ पर आप लोगों को भरना है, ठीक है। अब क्या फिर आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यह देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को फॉर्म फिलअप का डेट आप लोगों को प्रीव्यू करने का ऑप्शन है, मतलब सारा चीज़ अपना फॉर्म फिलअप कर दिए। अब यहाँ से आप लोग सारा चीज़ मिला सकते हैं, कुछ भी आप लोग सही लिख किए हैं कि नहीं है, सही सही हो जाएगा तो यहाँ से डिक्लेयर करके यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे तो आपका सारा चीज़ आप लोग डिटेल सबमिट हो जाएगा और उसके साथ वहाँ पर आप लोग रजिस्ट्रेशन हो गया। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग ईमेल आईडी पे आप लोगों का डिटेल्स आ जाएगा कि आप लोग फॉर्म फिलअप हो चुका है और आगे जो भी प्रोसेस होगा, जो भी आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर दिए उनसे आप लोग उन्होंने कॉन्टैक्ट कर लेंगे। कॉन्टैक्ट करने के बाद फिर आगे सारा जितना भी प्रोसेस करना होगा आगे अपना प्रोसेस बता देंगे। इस तरह से आप लोग सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं गाइस, और आप लोग नीचे लिंक भी मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वो सारा चीज आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो गाइस वो सारा चीज आप लोग पता चल गया होगा, कुछ भी अगर आप लोगों को डाउट होता भी तो टेलीग्राम ग्रुप में मेरे को मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सारा चीज आप लोगों को हम बता देंगे, कुछ भी आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा गाइस। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो आने वाले, स्कॉलरशिप रिलेटेड, बीटेक रिलेटेड सारा चीज आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो आएगा, तो आप लोग कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, सारा चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वॉचिंग, टाटा बाय बाय।